कहानी की शुरुआत वीको नाम के एक लड़के से होती है जिसने बचपन में ही अपने पिता को एक कार एक्सीडेंट के दौरान खो दिया था। तभी से वीको के मन में ऊंचाई को लेकर डर बैठ गया था। और फिर एक दिन जब उसके स्कूल वाले सभी बच्चों को पहाड़ पर सूर्य ग्रहण दिखाने ले जा रहे थे तो वीको इस ट्रिप पर नहीं जाना चाहता था, पर उसकी माँ ने उसे हिम्मत देते हुए स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए मना ही लिया। इसके बाद हम वर्तमान समय से 1000 साल पहले एक जादूगर को देखते हैं जो अपने जादू के जरिए स्टोन ऑफ पावर को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। और उसके इसी जादू ने एक ड्रैगन का रूप लिया जो ठीक उसी ड्रैगन की तरह था जो वीको की जैकेट पर बना हुआ था। उधर वीको अपने खास दोस्त टॉम के साथ काफी मजे कर रहा था और वो लोग अपने साथ कुछ पटाखे और मैक्स फोन भी लाए थे। लेकिन तभी वो सब एक ब्रिज पर पहुंचे जिसे उन्हें पार करना था, लेकिन अपने फोबिया की वजह से वीको ब्रिज के बीच में ही रुक गया और अब उसे चक्कर आ रहे थे, इसीलिए टॉम को उसे खींचकर वापस लाना पड़ा, जिसके बाद बाकी सभी उस पर हंसने लग गए। बेचारे वीको को बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी और इसीलिए वो वहां से भागकर एक चट्टान के पास आ गया। जल्द ही उसका पीछा करते हुए टॉम भी वहां पहुंच गया। टॉम अपने दोस्त का मूड ठीक करना चाहता था, पर उसी वक्त अचानक से सूर्य ग्रहण का समय हो गया और उस पूरी जगह में एक बहुत तेज भूकंप आया जिसके चलते टॉम का पैर फिसल गया। वो तो सीधा नीचे गिरने वाला था, लेकिन फिर ऐन वक्त पर उसने चट्टान को पकड़कर खुद को बचा लिया। लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रुक सकता था। उधर वीको अपने दोस्त की मदद तो करना चाहता था, पर अपने डर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पर तभी एक अनजान पोर्टल ने नीचे से आकर उसे अंदर खींच लिया। जब वीको वापस खड़ा हुआ तो वो बिल्कुल उसी जगह पर खड़ा था, लेकिन अब समय बदल चुका था। वो पता नहीं कैसे 1000 साल पुरानी दुनिया में पहुंच गया था। उधर पास ही में ओलिशको नाम का एक लड़का अपने प्यार के लिए फूल चुनने में व्यस्त था, पर तभी अचानक कुछ सैनिकों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ओलिशको के लिए उन सभी को हराना काफी आसान था, पर तभी उनका लीडर एंडाल्को भी वहां पहुंच गया और उसने अपने सैनिकों के साथ मिलकर ओलिशको को अपना कैदी बना लिया। लेकिन फिर पैर फिसलने की वजह से वीको चट्टान से नीचे गिर गया और इसी बीच उसका मेगाफोन चालू हो गया जिसमें से निकल रही आवाज ने सभी सैनिकों का ध्यान भटका दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर ओलिशको वहां से भागने में कामयाब हुआ और जाते जाते उसने वीको को भी अपने घोड़े पर बैठा लिया। इसके बाद ओलिशको वीको को अपने साथ गांव लेकर गया जहां उसे गांव से बाहर जाने के लिए बहुत डांट पड़ी और वहीं सभी गांव वालों को शक था कि कहीं वीको कोई जासूस तो नहीं, इसीलिए उन्होंने उसे एक कमरे में कैद कर दिया। उधर एडाल्को ने जब अपनी हार के बारे में जादूगर को बताया तो वो नाराज होने की जगह काफी खुश हुआ क्योंकि एडाल्को ने उसे वीको के बारे में भी बताया था और जादूगर जानता था कि वीको के कपड़ों पर उसके जादू वाला ड्रैगन बना हुआ है, जिसका मतलब साफ था कि वीको ही उन्हें स्टोन ऑफ पावर तक ले जा सकता है। वहीं वीको के कमरे के बाहर ओलांका नाम की एक लड़की उससे मिलने आई जिसने उसे खाना देते हुए बताया कि वो साल 1120 में है। लेकिन वीको के कुछ और पूछने से पहले ओलिशको वहां आ गया जो उसे एक परीक्षा के लिए अपने साथ ले गया। दरअसल वो उसे नदी में फेंकने वाले थे जहां वाटर स्पिरिट्स ये टेस्ट करेंगी कि वो जासूस तो नहीं है। पानी में जाते ही वीको को लग रहा था कि शायद वो बच नहीं पाएगा, पर तभी वाटर स्पिरिट्स ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जिसका मतलब ये था कि उसका मन साफ है, वो कोई जासूस वासूस नहीं है। इसके बाद वीको को गांव के लीडर्स के साथ अच्छे से मिलने का मौका मिला जिसमें ऑक्सी, इलियाना और डोब्रिन्या शामिल थे, जिनसे मिलते ही वीको को तुरंत याद आ गया कि भाई इनके बारे में तो किताबों में पढ़ाते हैं हमारी। पर उन्हें वीको के भविष्य से होने वाली बात पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वीको ने अपने मेगाफोन को दिखाते हुए उन्हें अपनी बात पर विश्वास करवाने की कोशिश की, जिसके बाद ऑक्सी ने उसे जल्द ही वापस उसकी दुनिया में भेजने का वादा किया। बाद में ऑक्सी ने वीको को बताया कि उसके पास वापस जाने के दो तरीके हैं, या तो वो दोबारा सूर्य ग्रहण होने का इंतजार करे या फिर किसी जादूगर की मदद से उस पोर्टल को जबरदस्ती खोलने का तरीका ढूंढे। ओलिशको जानता था कि जादूगर मेज किसी की भी मदद करने से पहले उसकी परीक्षा लेता था, इसलिए वीको ने ओलिशको के साथ एक डील की जिसके मुताबिक ओलिशको मेज के सामने जाने के लिए वीको को तैयार करेगा और इसके बदले में वीको ने उसे अपना मेगाफोन देने का वादा किया। अगले कुछ दिनों तक वीको उसी गांव में रहा जहां ओलिशको ने उसे सभी चीजें सिखाना शुरू किया। इसी बीच वीको की मुलाकात तुरीन से भी हुई जो एक वॉच टावर के अंदर कैद था। उधर ओलिशको को अपनी ट्रेनिंग के बदले में भविष्य की चीजों से खेलने को मिल रहा था, वो तो इस डील से बहुत ज्यादा खुश था। वीको की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ओलिशको ने उसे जादूगर मेज तक पहुंचने का मैप दिया, लेकिन ये रास्ता उसे अकेले ही तय करना होगा।
अगली सुबह उस दूसरे जादूगर ने एक कौवे को वीको पर नजर रखने के लिए भेजा, जो अब गांव को छोड़कर जंगल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन उस बेचारे को ओलिशको का दिया हुआ मैप समझ ही नहीं आ रहा था कि तभी उसकी नजर पास ही में मौजूद ओलांका पर पड़ी, जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थी। इसके बाद वो दोनों जंगल के बीच चलते चलते एक पतली सी सुरंग के पास पहुंचे, जहां पहुंचते ही वीको एक खाली जगह पर पहुंच गया, जो असल में जादूगर मेज का बनाया हुआ एक जाल था। उसे वहां सिर्फ मेज की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसने वीको से उसके सबसे बड़े डर के बारे में पूछा, और उसके पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वीको ने तुरंत ही अपने बचपन की कहानी बताते हुए अपने डर के बारे में मेज को बताया, जो वीको की ईमानदारी से खुश होकर उसे स्टोन ऑफ पावर तक पहुंचने का रास्ता बताने को तैयार हो गया। इसके बाद मेज ने उसे बताया कि उसे स्टोन ऑफ पावर एक ऐसी जगह मिलेगा जहां विंगलेस अपना घोंसला बनाते हों, और वहां तक पहुंचने के लिए उसे हवा की जरूरत होगी, और वो काम सिर्फ तभी करेगा जब दो दिल एक साथ जुड़ेंगे। इसके तुरंत बाद ही वीको वापस जंगल में पहुंच गया, जहां पता चला कि ओलांका के हिसाब से तो वीको कभी उसे छोड़कर गया ही नहीं। इसके बाद वीको ने ओलांका को मेज की पहेली सुनाई, और उसके मुताबिक उन्हें स्टोन ऑफ पावर एक खास गांव में मिलने वाला था। कुछ देर बाद ही वो लोग वहां पहुंच गए, और वीको ने उस पत्थर को ढूंढने के लिए खास पतंग बनाई, जो सीधा जाकर तालाब में गिर गई, जिसके बाद वीको ने भी तुरंत उस तालाब में छलांग लगा दी, और थोड़ी ही देर बाद उसे स्टोन ऑफ पावर मिल भी गया। लेकिन जादूगर के भेजे हुए कौवे ने भी यह नजारा देख लिया था, और उसने तुरंत ही इसकी जानकारी जादूगर को दे दी, जिसके बाद जादूगर ने वीको को पकड़ने के लिए अपनी फौज भेजी। जादूगर की फौज ने वीको और ओलांका को पकड़ने के साथ साथ उस गांव पर भी हमला कर दिया जहां उन्हें वो पत्थर मिला था, लेकिन ये सब वॉच टावर पर मौजूद एक आदमी ने देख लिया, और उसने तुरंत ही ओलिशको और उसके साथियों को इसकी खबर दे दी, जिसके बाद वीको और ओलांका को बचाने के लिए उसके गांव से भी एक फौज आ गई, जिसका नेतृत्व कर रहा था ओलिशको। ओलिशको और उसके साथियों ने बड़ी ही आसानी से जादूगर की पूरी फौज को हरा दिया, जिसके बाद वो सभी वापस अपने गांव आ गए, जहां पहले तो वीको और ओलांका को अकेले बाहर जाने के लिए डांट पड़ी, और बाद में ये फैसला किया गया कि अगले दिन ऑक्सी वीको के साथ जाकर उस पत्थर का इस्तेमाल करेगा। वहीं दूसरी ओर एंडाल को जादूगर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि जादूगर की वजह से उसकी पूरी एक फौज की टुकड़ी खत्म हो गई थी। अगली सुबह वीको और ऑक्सी उस चट्टान के पास तो पहुंचे, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद ऑक्सी का मानना था कि उन्हें बरसात शुरू होने तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि स्टोन ऑफ पावर का देवता बारिश का देवता भी था। गांव वापस आने के बाद वीको ने देखा कि ऑक्सी एक फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था, और इसमें वीको ने भी उसकी मदद करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद वीको अक्सर ऑक्सी के साथ ही काम करता रहता था, पर वो बीच बीच में ओलांका के साथ भी समय गुजारता। उधर वो जादूगर एक और जादू तैयार करने में लगा हुआ था, पर इसी बीच इल्याना और डोब्रिन्या ने एक क्यूमन सैनिक को पकड़ा, जिसने उन्हें बताया कि एंडाल को स्टोन ऑफ पावर के बारे में जानता है, जिसके बाद उन सब ने मिलकर उस पत्थर को छुपाने का फैसला किया। ऑक्सी के मुताबिक वॉच टावर सबसे सुरक्षित जगह थी, पर वीको इतनी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद ऑक्सी ने उसे समझाया कि एक इंसान को हमेशा अपने डर पर जीत पानी चाहिए, जिसके बाद वो ऑक्सी के साथ वॉच टावर के ऊपर तक पहुंच गया, जहां पहली बार उसने अपने डर का सामना किया। साथ ही ऑक्सी ने स्टोन ऑफ पावर को भी वॉच टावर पर छुपा दिया, पर जादूगर के किए हुए जादू की मदद से उसे इस बारे में पता चल गया, और अब उसके हिसाब से उस पत्थर को छीनने का सही समय था। कुछ ही घंटों बाद बहुत तेज बारिश हुई, जिसमें तुरीन के ऊपर भी पानी गिर रहा था। ये देखकर वीको को बहुत बुरा लगा, और उसने तुरंत ही उसके पिंजरे को ऊपर से ढक दिया। ओलांका उसके इस बर्ताव से बहुत खुश हुई, और उसने वीको के गाल पर एक किस कर दी। उसी रात बिजली गिरने की वजह से कुछ पत्थर टूट गए, जिसका फायदा उठाकर तुरीन अपने पिंजरे से आजाद हो गया, और फिर बारिश का सहारा लेते हुए सीधा एंडाल्को के पास पहुंचा, जो कि असल में उसका भाई था। पर एंडाल्को को अपने भाई के आने से कोई खास खुशी नहीं हुई थी, पर तभी जादूगर की नजर स्टोन ऑफ पावर पर पड़ी, जिसे तुरीन अनजाने में अपने साथ ले आया था, लेकिन उस पत्थर की शक्तियां अभी भी सो रही थी। जादूगर की लाख कोशिशों के बाद भी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया, और फिर उसने एंडाल्को को बताया कि उन्हें इस पत्थर का इस्तेमाल करने के लिए वीको की जरूरत है। अगली सुबह वीको और उसके पूरे गांव को भी तुरीन के भागने की खबर मिल गई, और साथ ही उन्हें पता चला कि वो अपने साथ स्टोन ऑफ पावर को भी ले गया था, लेकिन कुमन पर सीधा हमला करने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए ऑक्सी और वीको ने और जान लगाकर अपनी फ्लाइंग मशीन को पूरा करना शुरू किया।
अगले दिन जब ऑक्सी और ओलांका किसी काम से बाहर गए तो एंडाल्को के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें वो ओलांका को उठाकर ले जाने में कामयाब हो गए। उसे बचाने के चक्कर में ऑक्सी भी बहुत घायल हो गया, पर फिर भी उसने मरने से पहले किसी तरह गांव पहुंचकर ओलांका के साथ हुए हादसे के बारे में वीको को बता दिया। उधर एंडाल्को ने भी एक संदेश भेजकर वीको को अपने पास बुलाया। वीको को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने ओलांका को बचाने के लिए एंडाल्को के पास जाने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही एंडाल्को ने उसे स्टोन ऑफ पावर का इस्तेमाल करने को कहा, पर असल में वीको को खुद भी उस पत्थर का इस्तेमाल करना कहां आता था। पर फिर भी उसने एंडाल्को को चकमा देने के लिए अपने बैग से पटाखे निकालकर झूठे मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, जिसके बाद उसने पटाखों को सैनिकों पर फेंक दिया, जिस वजह से वहां भगदड़ मच गई। वीको इस मौके का फायदा उठाकर ओलांका के साथ वहां से भागना चाहता था, पर ऐन वक्त पर एंडाल्को ने उसे फिर से पकड़ लिया और फिर उन्होंने उसे अपनी जान बचाने का एक आखिरी मौका दिया, जिसके बाद वीको ने अपना सारा दिमाग उस पहेली को सुलझाने में लगा दिया। और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ओलांका को अपने पास बुलाया, और जैसे ही उन दोनों ने उस पत्थर को एक साथ पकड़ा तो उस पत्थर की शक्तियां फिर से जाग उठी। इसके बाद जादूगर उस पत्थर को लेकर अपनी फौज को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाने चला गया, और वहीं एंडाल्को ने तुरीन को वीको और ओलांका को मारने का हुक्म दिया। लेकिन तुरीन को अभी भी वीको का उसके साथ किया हुआ अच्छा बर्ताव याद था, इसीलिए वो उसे मारना नहीं चाहता था, तो उसने वीको और ओलांका को एक घोड़े पर बैठा कर वहां से भगा दिया, जिसके बाद एंडाल्को ने तुरीन को गद्दार घोषित करके खत्म कर दिया। अगली सुबह वीको और ओलांका ने अपने गांव पर होने वाले हमले के बारे में सबको सावधान तो कर दिया, पर उनकी फौज चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि कुमन आर्मी के साथ इस बार एक स्टोन मॉन्स्टर भी था, जिसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था। इस मॉन्स्टर को जादूगर एक छड़ी से काबू कर रहा था, पर तभी ओलिश्को को एक आइडिया आया और वो उस मॉन्स्टर के हमलों से बचते हुए उसे लेक के किनारे पर ले गया, जहां ओलिश्को पर हमला करते हुए वो उस लेक में गिर गया, जिसके बाद वाटर स्पिरिट्स ने उसे वहीं कैद कर लिया। अचानक से एक बार फिर से सूर्य ग्रहण का समय आ गया था, और वीको तुरंत ही एक घोड़े पर बैठकर उस चट्टान की तरफ निकल गया। उधर एंडाल्को ने अपनी फौज को पूरी ताकत से गांव पर हमला करने को कहा, पर वहीं दूसरी तरफ सभी गांव वाले एक साथ मिलकर कुमन आर्मी पर भारी पड़ रहे थे। अपनी हार को टालने के लिए एंडाल्को ने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन उस जादूगर की ईगो बीच में आ गई। वो हार मानने को तैयार नहीं था, और उसने किसी तरह एक बार फिर से स्टोन मॉन्स्टर को पानी से बाहर निकाल ही लिया। उस मॉन्स्टर को गांव की तरफ बढ़ता देखकर वीको ने वहीं रुककर गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। इसके बाद वो ओलिश्को की मदद से वॉच टावर पर चढ़ा, और फिर उसने ऑक्सी और अपनी बनाई हुई फ्लाइंग मशीन से एक उड़ान भरी, जिसकी मदद से वो उस चट्टान पर पहुंच गया जहां से जादूगर उस मॉन्स्टर को चला रहा था। वहां पहुंचकर वीको ने तुरंत ही जादूगर को चट्टान से नीचे गिरा दिया, और अब स्टोन ऑफ पावर का मालिक वो खुद था। लेकिन तभी एंडाल्को भी वहां पहुंच गया। वीको जानता था कि वो एंडाल्को का सामना नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने पत्थर को लेक में फेंक दिया, जिसके पानी में जाते ही वो स्टोन मॉन्स्टर टूट गया। उसकी इस हरकत से गुस्साए एंडाल्को ने वीको को मारने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर ओलिश्को ने वहां पहुंच कर वीको को बचा लिया। पर अभी भी उनका काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि सूर्य ग्रहण खत्म होने ही वाला था, इसीलिए ओलिश्को वीको को लेकर तुरंत ही उस चट्टान के पास पहुंचा, जहां उन्हें वो पोर्टल मिला जिसमें से वीको आया था। पर जाने से पहले ओलांका ने हमेशा वीको का इंतजार करने का वादा किया, और जैसे ही वीको उस पोर्टल में घुसा तो वो सीधा उसी समय में पहुंच गया जब उसका दोस्त टॉम नीचे लटक रहा था, और इस बार वीको ने उसे बचा लिया, जिसके बाद वो अपनी क्लास का हीरो बन गया। बाकी सब तो ठीक है यार, मुझे ओलांका के लिए बुरा लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।